नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आज रात को हम भट्टियान गांव में रुके थे, बाबा सीताराम बाबा के आश्रम में। सीताराम बाबा के आश्रम में रुके थे। अच्छा व्यवस्था था, बहुत सारे लोग रुके थे, या अंदर में थे बाहर में भी बहुत सारे लोग रुके थे। नर्मदे हर बहुत पुरातन बिल्डिंग भी है, आश्रम है। अभी सुबह सुबह के समय सारे परिक्रमावासी अभी निकल रहे हैं। नर्मदा में भी आकर भी दर्शन कर लेते हैं। नर्मदे हर नर्मदा मैया के किनारे स्नान वगैरह कर रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। अभी हम आगे के समय का शुरुआत करते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये गांव भी बहुत अच्छा है। वो महात्मा जी 100 साल से ज़्यादा उम्र के अभी भी है, कल का वीडियो में दिखाए हमने। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आज हम सुबह भट्टियान से निकले थे, अभी शायद 7-8 किलोमीटर तक तो चले हैं, और भी थोड़ा चलेंगे। सुबह सुबह ठंड बहुत लगती है, लेकिन अच्छा लगता है रास्ते, अलग अलग रास्ते से चलते हैं। अभी एक छोटा नाला पड़ा है, बड़ा ही सुंदर दिखता है, पानी बह रहा है, ज़्यादा दूर में है। बड़ा ही सुंदर प्रवेश है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये सारे नाले नर्मदा मैया को जाके मिलते हैं। ऐसे पदचला रास्ता है, बीच बीच में चिन्ह बनाए हैं किसी ने चुने से, और दिखाई देते कई जगह में पताका लगे हैं छोटे छोटे, तो वही रास्ते से जाने का मार्ग है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी हम लेपा गांव में पहुंचने वाले हैं। सुबह से शायद 12 किलोमीटर तक चले हैं। ये भी अभी अच्छा रास्ता लग गया है, तो गन्ने का खेत है, इधर की भी खेती इतने अच्छे है, जिसमें गेहूं बुना हुआ है। अच्छा वातावरण है, यहाँ भी परिक्रमावासी रहते हैं। शायद हनुमान जी का मंदिर है, नागेश्वर मंदिर आमला था। चाय के लिए बुला रहे हैं लोगों को। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ ये बाबा जी जी जी, यहाँ नर्मदा परिक्रमा वालों के लिए मांग रहे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। ओ अच्छा, भेज दो वाला नर्मदा जी मैया जी है। अभी 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 यहाँ लिए बाबा जी,
अभी अभी लिए है पीछे में चाय, तो ठीक है धन्य। नहीं नहीं सुबह सुबह के हो पेजगा थक पेजगा हम एक मिनट में जी 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 नर्मदा मैया का मूर्ति प्रतिष्ठा करी है। अच्छा स्थान है परिक्रमावासी रहने का व्यवस्था है, कुछ लोग यहाँ भी रहते हैं। यहाँ पे नर्मदा मैया का चांस मिला है पीने के लिए। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर महाराज जी चाय पी रहे हैं। अच्छा वातावरण। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी हम सुबह से कम 15 से ज़्यादा किलोमीटर चल चुके हैं और अभी ये कुंदा नदी एक ब्रांच है, अभी कुंदा नदी है ये जो नर्मदा मैया में इधर यहाँ संगम है मिलती है। अच्छा है पात्र भी, पानी भी बह रहा है, कम है पानी लेकिन बहुत स्वच्छ पानी है। पात्र भी बहुत बड़ा है। इसके ऊपर लेपा गांव में बांध था। यहाँ भी एक डैम है, एक आधा किलोमीटर में हम डैम पार करके आ गए तो दरवाजे खुले हैं इसलिए पानी में पात्र में पानी ज़्यादा नहीं है। बिजली उत्पादन होता है, बिजली उत्पादन होता है तो बहुत अच्छा है। अभी आगे का गांव में हम पहुँचेंगे, गांव का नाम है माकड़केरा गांव में अभी हम पहुँचे। वहाँ थोड़ा विश्राम करेंगे, अभी धूप भी ज़्यादा बढ़ गई है, 11:30 का समय है तो ज़्यादा धूप हो रही है और सुबह से बहुत चले हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी हम एक वेदांत आश्रम में रुके थे दोपहर का भोजन के लिए, विश्राम भी लिए। ये माकड़खेड़ा ग्राम गांव में है आश्रम, बहुत ही सुंदर परिवेश था, अच्छा व्यवस्था करते। हर दिन यहाँ परिक्रमावासी बहुत सारे आके रुकते हैं, ये रहने के लिए टॉयलेट बाथरूम सारी व्यवस्था है, कपड़ा धोने के लिए बिछाने के लिए गद्दियाँ वगैरह सब रखे हैं, अच्छा व्यवस्था है। यह जो मुख्य महाराज थे उनका ही समाधि स्थान है, बहुत ही सुंदर है, उनका भी शरीर नहीं रहा, ये वेदांत आचार्य थे उनका ये बना हुआ है समाधि स्थान। अभी आज और 5-7 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद रात का रहने का स्थान है वहाँ रुकेंगे। कल रात 200 आदमी थे, अभी भी रात के लिए व्यवस्था चल रहा है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। यह अभी रात के लिए चल रहा है खाने का व्यवस्था, और ये अम्मा जी है उन्होंने खाने का व्यवस्था किए थे, ऊपर महाराज जी बैठे हैं। नर्मदे हर। ये दीदी जी है महाराष्ट्र से आए हैं, थोड़ी तबीयत की वजह से 2 दिन रुके हुए हैं, ये भी परिक्रमा में है लेकिन आज यही पे सेवा दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर आश्रम है वेदांत आश्रम, अभी आचार्य नहीं है लेकिन बाकी लोगों से मेंटेन करके रखे हैं। बहुत सुंदर वातावरण है, अच्छा स्वागत भी करते हैं परिक्रमावासियों का। ये लिली का कुंड भी बनाया है। हाँ नर्मदे हर नर्मदे हर। हे प्रभु मंगलमय। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी निकले हैं और आगे का स्टॉपेज कटोरा गांव आएगा, वहाँ पे रुकेंगे या आगे और जाएंगे देखते हैं।
अभी हम पहुंच रहे हैं कठोरा गांव में। गांव बहुत ही सुंदर है और खेती प्रधान है, बहुत ही हरा भरा गांव था। गांव की खेती बहुत साफ सुथरी थी। राधा कृष्ण का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर, यह हनुमान जी का मंदिर है। आगे आश्रम है नर्मदा माता के किनारे, वही पे आज रुकने वाले हैं, विश्राम वही लेंगे आज। फिर भी दिन भर में कम से 20 किलोमीटर चले हैं। हमारे बाबा चॉकलेट बांट रहे हैं बच्चों को। नर्मदे हर आगे में आश्रम है। नर्मदा मैया का पात्र आज का तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है दूर से, अच्छा है। संत श्री नानक दास जी सेवाश्रम समिति ग्राम कठोरा, यहाँ नर्मदे हर रहने के लिए व्यवस्था है। नर्मदे हर आज यहाँ रात में रुकेंगे। नानक दास जी महाराज का यह आश्रम है, समाधि स्थान है, आज रहने का व्यवस्था है। रात में बहुत ही सुंदर परिवेश है और नर्मदा जी का पात्र भी बहुत अच्छा है। अभी हम स्नान करने के लिए, स्नान करके वही पे आरती वगैरह संध्या का खत्म करेंगे, है ना। दोनों तरफ से चट्टान पत्थर का है, अच्छा है, पानी भी बहुत निर्मल है। यह मध्य प्रदेश में गाय बहुत अच्छी है, हमने जब से आए हैं एक भी जर्सी गाय देखी नहीं, सब गिर गाय का वैरायटी है, भैंस और गिर गाय ज़्यादा है। 4 दिन हो गए हम चल रहे हैं लेकिन एक भी जर्सी गाय दिखाई नहीं दी। यहाँ लोगों को देसी गाय के प्रति बहुत ही प्रेम है, इतने गाय है एक एक गांव में, बहुत ऐसा कोई घर नहीं जहाँ गाय नहीं है। घर से भी अच्छे यहाँ गाय रखने के लिए घर बनाते हैं लोग, बहुत ही ख्याल रखते हैं। बड़ा अच्छा लगा वो सब देख के। खेती के लिए नर्मदा मैया का पानी जा रहा है, इतने सारे मोटर डाले हैं नदी पे, सब तरफ वही है, बहुत सारे मोटर लगाए हैं और बहुत ही अच्छी खेती करती है। हर एक बिल्कुल स्वच्छ रहता है खेत और बहुत बड़ा बड़ा खेत है, 5-10 एकड़ का एक एक प्लॉट है, इतना बड़ा बड़ा एक साथ लगा करते हैं। केले का खेती, पपाया का, कपास का। अभी यहाँ हम स्नान करेंगे, बहुत ही सुंदर है घाट, घाट तो नहीं डायरेक्ट पात्र है और पत्थर ही पत्थर है, मिट्टी बिल्कुल नहीं है। अच्छा लगेगा नहाने के लिए। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे मैया। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर तपस्या उचा सुगर के लाश मैया, अमर कंठ वाली
तुम हो भोली भाली रेवा चार भुजा धारी, तुम हो भोली भाली। नर्मदे बोलिए बोलिए माता बोलिए ना। और नर्मदा मैया की जय। माँ नर्मदा तू है कलियुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तू है कलियुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। कलयुग में गंगा माँ नर्मदा है, पतितों की पावन माँ नर्मदा है। भगवान शंकर की मानो सबेटी, अमर कंठ में है माँ उद्गम है तेरा। धुआंधार बन कर वहाँ से तू आगे, धुआंधार बन कर वहाँ से तू आगे। सागर में जा कर के मिलती है माता, सागर में जा कर के मिलती है माता। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। रंगीन शिलाओं पे रहती है माता, कल कल धुनि से तू बहती है माता। मैं कल सुधा भी तो कहते हैं तुझको, मैं कल सुधा भी तो कहते हैं तुझको। कलयुग में पावन है अगमन है तेरा, कलयुग में पावन है अगमन है तेरा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ तेरे तट पे सीधे सर है, माँ तेरे सहारे सब योगे सर है। बारह ज्योतिष लिंगों में से, बारह ज्योतिष लिंगों में से ओंकारेश्वर ममलेश्वर है, ओंकारेश्वर ममलेश्वर है। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। नर्मदा के कंकर से बनते हैं शंकर, घरों में पूंजाते हैं ओंकार बनकर। एक तू है कलयुग में वरदान है माँ, एक तू है कलयुग में वरदान है माँ। करोड़ों जन्म पर तू एहसान है माँ, करोड़ों जन्म पर तू एहसान है माँ। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जा ए चंगा। निकट जो भी रहते हैं माँ नर्मदा के, भजन जो भी करते हैं माँ नर्मदा के। भय और बाधा से वे मुक्त होकर, भय और बाधा से वे मुक्त शरण में भी रहते हैं माँ के, शरण में भी रहते हैं माँ नर्मदा के। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा ओ माँ नर्मदा ओ माँ नर्मदा ओ माँ नर्मदा ओ माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदा मैया की जय। औडे निरंतर हे चिधान देवाचे द्वारे उभा क्षण भरी, तेने मुक्ति चारे साधिल्या हरिमुखे म्हणा हरिमुखे म्हणा। पुण्याची गणना कोण करे संसारी जिभे वेगु करी, दशा बाह्य सदा देव म्हणे व्यासाची अखुण। द्वारके चराना पांडव घरी हरिमुख हरिमुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करे जहु वेदी जण
साई शास्त्र कारण अठराही पुराने हर्ष गाते कोणी नवनीता तैसे घे आनंद वाया व्यर्थ कथा सांडी मार्गो हरि आत्मा जीव शिव सम वाया तो दुर्गमान घाली माना देवा पाठ हरि हा वैकुंठ भरला घन दाट हरि दिसे मुखे म्हणा हरि मुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी गुण असार निर्गुण हे सारा सार विचार हरि पाठ सगुण निर्गुण गुणाचे अगुण हरि बिना मन व्यर्थ जाये व्यक्त निराकार नाही जाकार जेथोनी चराचर हर्षि भजे देवा ध्यानी राम कृष्ण अनंत जन्मोनि पुण्य होया हरि मुखे म्हणा हरि मुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी भावि बिन भक्ती भक्ती बिन मुक्ती बाळे बिन शक्ती बोलू नाही दैवत प्रसन्न उगारा हे निमंत सिन शिवाया हरि मुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी योग याग विधी येणे नोहि सिद्धी याची उपाधि दंभ धर्म विविन देव नकळे निसंदेह गुरुविना अनुभव